मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने वाली 19 वर्षीय अनीता ठाकुर नूरपुर विधानसभा इलाके की पंचायत टेहर के एक छोटे से गांव कुट की रहने वाली है। अनीता के घर में उसके 80 वर्षीय दादा सरन सिंह जो कि खेतीबाड़ी करते हैं, पिता मेहर सिंह जो कि सेना से सेवानिवृत्त हैं, माता निर्मला देवी जो कि गृहिणी है। अनीता के दो भाई हैं, एक भाई आर्मी में है और एक भाई प्राइवेट कंपनी में काम करता है। अनीता जूडो, कुश्ती, बॉक्सिंग में राज्य स्तरीय और नेशनल प्रतियोगिताओं में कई मेडल अपने नाम कर चुकी है। अनीता ने अभी हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता। अनीता ने नेशनल मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर न केवल अपना ही नहीं बल्कि माता पिता और प्रदेश का नाम रोशन किया है। अनीता गोल्ड मेडल जीतकर पहली मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर बनी। अनीता ठाकुर ने बताया कि सरकार बोलती है कि बच्चों को नशे से दूर रहना चाहिए और खेलों के प्रति ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि मैं अपनी कोचिंग मिक्स मार्शल आर्ट की चंडीगढ़ से ले रही हूं, जो कि 8 महीने तक चलेगी और इसका खर्चा लगभग 2 लाख रुपए होगा, जो कि मैं खुद कर रही हूँ। सरकार ने बेटियों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार सिर्फ घोषणा करती है पर करती कुछ नहीं, घोषणा तक ही सीमित रह जाती है। अगर सरकार खिलाड़ियों के लिए कुछ करे तो खिलाड़ी भी अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मेरी मिक्स मार्शल आर्ट की चैंपियनशिप 2018 में मंथ जुलाई में दिल्ली में हुई थी, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल जीता था और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया था। मैं हिमाचल की प्रथम महिला मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियन हूँ और इसी के रहते सरकार ने मुझे 51,000 रुपये राशि भी प्रदान करी थी। और सरकार तो बोलती है कि बच्चों को नशे से दूर रहना चाहिए और खेलों की तरफ प्रोत्साहित होना चाहिए। मैं खुद अपनी कोचिंग मिक्स मार्शल आर्ट की चंडीगढ़ में ले रही हूँ। मेरी कोचिंग 8 महीने तक चलेगी और जिसका सारा बजट 2 लाख के करीब है। और सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं बेटियों के लिए चलाई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं खुद एक बेटी हूँ और मैं अपना सारा जो मेरा खर्चा है वो मैं खुद उठाती हूँ, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो सरकार ने तो मुझे बहुत बोला था, बोलते ही है लेकिन कुछ करते नहीं है। अगर वो कुछ करेंगे तो बेटियाँ अब बहुत आगे तक जाएंगी। और सरकार बोलती है कि उन बच्चों को नशे से दूर रहकर खेलों की तरफ प्रोत्साहित होना चाहिए। बच्चे तो खेलों की तरफ प्रोत्साहित होते हैं, लेकिन अगर सरकार भी उनके लिए कुछ करे तो वो खिलाड़ी अच्छे स्थान पर पहुंचेंगे। और जैसे कि सरकार ने औरों के लिए काफी सारी सुविधाएं प्रदान करी हैं, उन्होंने खिलाड़ियों के लिए क्या करा है? जस्ट यही बोलते हैं, सहारा देते हैं उनको कि वो ये करेंगे वो करेंगे, ऊंचे स्थानों पर जाएंगे, बस ये बोलकर वो आगे कुछ भी नहीं करते हैं। बस यही बोलते हैं कि खिलाड़ियों को नशे से दूर रहना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उनका फिजिकल अच्छा होना चाहिए, यही बोलते हैं। अगर सरकार खिलाड़ियों के लिए भी कुछ करे तो अच्छा रहेगा।